यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि वे 15 अगस्त को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उनकी नई पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ेंगी। पार्टी के गठन की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस संबंध में लोगों के विचार जानने के लिए वे राज्य भर में दौरे कर रहे हैं। घर वालों से छिपकर प्रेमी जोड़े ने शादी तो कर ली, इसके बाद प्रेमी जोड़ा सुरक्षा मांगने के लिए हाईकोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट जाते ही दोनों का भेद खुल गया। दरअसल कागजों की जांच पर पता चला कि कानूनन लड़के की उम्र शादी के लिए कम यानी 19 वर्ष है, जबकि लड़के की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए। ई पंचायत को लेकर सरपंचों के साथ मिल सरकार को आंख दिखाना ग्राम सचिवों को भारी पड़ने लगा है। प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 9 ग्राम सचिवों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी ग्राम सचिवों को चार्जशीट करने की भी तैयारी हो रही है। हरियाणा खुले में शौच मुक्त होने के सरकारी दावों की असलियत गैंग ने उजागर कर दी है। लोग अभी भी खुले में शौच जाते हैं। जिन लोगों को शौच बनवाने के लिए पैसे दिए गए थे वे जरूरतमंद नहीं थे। वहीं जिन लोगों ने शौचालय बनाए हैं वे उन्हें शौच जाने की बजाय स्टोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में बैठक से लौट रहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर 2 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए। इस घटना में अनिल विज बार बार बचे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।